सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रो लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को बड़ा इजी से चैप्टर समझा जाता है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि दिमाग चकरा जाता है कि व्हाट टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास है प्रीवियस ईयर का, एक करेंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्लियर है, लॉजिकल। जैसे माइक्रो लेक्चर इफेक्टिव, एकदम से इम्पैक्ट, ये इम्पैक्टफुल लेक्चर्स हैं। इनको छोटे लेक्चर में समझिए कि 8-10-15 मिनट का लेक्चर है, दीज आर इम्पैक्टफुल लेक्चर्स। ये एक इम्पैक्ट डालेंगे आपकी तैयारी पे, ऐसे इम्पैक्ट डालेंगे आपके माइक्रो कोर्सेज, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, करेंगे उसको भी पूरे तरीके से डिस्कस। चलिए पहले चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर नंबर है जो है मेरे पास लेक्चर नंबर 20, दीज आवर माइक्रो लेक्चर्स, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, देखो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दूं टाइम एंड वर्क का। देखो मेरे पास होता क्या, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। वर्क कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और यू कैन से दैट एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्लियर। ये चीजें क्लियर है, अगर टाइम कांस्टेंट तो, अगर टाइम कांस्टेंट एफिशिएंसी वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट टाइम एंड वर्क, ठीक है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो एक और चीज होती है, वर्क इज इक्वल टू एम डी एच ई, एम डी एच फॉर्मूला के नाम से जानते हो उसे आप। ये क्या होता है, एम होता है नंबर ऑफ मैन, डी ओ मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, आपका चाइल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी हो सकता है नंबर ऑफ डेज, एच हो सकता है नंबर ऑफ आवर्स, ये हो सकता है आपका सफिशिएंसी। ये मेरे पास गिवन, मेरे पास एक पैटर्न दिया हुआ है, क्लियर। इसको मैं लगता कैसे हूं, देखो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम वन डी वन एच वन ई वन, कि मेरे पास कोई काम हो रहा है डब्ल्यू वन एम टू टू एच टू एंड ई टू, क्लियर। तो अगर मैं कॉन्स्टेंट काम बोलूँ, यानी वन इज इक्वल टू एम वन डी वन एच वन ई वन अपॉन डब्ल्यू वन, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे भी वन बोल दूँ, एम टू डी टू एस टू टू डब्ल्यू टू बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पे कंक्लूजन निकला मेरा फाइनल, क्या कंक्लूजन निकला कि एम वन डी वन एच वन ई वन अपॉन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एस टू ई टू डब्ल्यू टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी सारे बच्चों को समझ नहीं आती, बट अब आई थिंक समझ आ गई होगी, क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने होपफुली कर ही दिया होगा, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज 30 डेज एंड 40 डेज। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया मेरे पास 24 डेज, टाइम ऑफ बी कितना दिया मेरे पास 30 डेज, टाइम ऑफ सी कितना दिया मेरे पास 40 डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले टाइम ए की बात करूं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम विल गिव मी द टोटल वर्क। तो 24 की बात करूं मैं, क्या आएगा 8 × 3 की पावर 1 = 24, ठीक है। 30 की बात करूं, 2 × 3 = 6 = 35 = 1, 40 की बात करूं, 8 × 5 = 40, क्लियर। तो ये मेरे पास एलसीएम निकलेगा, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। तो 2 × 3 × 3 = 1 × 5, ये कितना हो गया 8 × 3 = 24 × 5 = 120, तो यहां से 120 मेरा एलसीएम आ गया स्टूडेंट, क्लियर। सो 120 विल बी माय एलसीएम, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 120/24 इज हाउ मच 5, एफिशिएंसी ऑफ बी 120/30 इज हाउ मच 4, और एफिशिएंसी ऑफ सी 120/40 इज हाउ मच 3। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गया 5, 4 और 3, क्लियर। अब मेरे पास ध्यान से मेरी बात सुना जरा, दे बिगिन द वर्क टुगेदर एंड सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब अगर पहले मैं लास्ट 4 डेज का काम देखूं, टोटल काम कितना है मेरे पास 120 है, क्लियर। लास्ट के 4 डेज का काम किसने किया है, सी लेफ्ट, यानी सी ने नहीं किया काम, किसने किया स्टूडेंट, फिर ए प्लस बी, समझो कि ए प्लस बी ने वो काम किया होगा, कितने दिन में किया है, इनके एक दिन का काम कितना है 9, तो 4 दिन का काम कितना होगा 36, यानी मेरे पास 36 काम हो चुका है, 120 में 36 होगा, कितना बचा 84 बचा। ये 84 काम इनके सी के छोड़ने से पहले ए बी सी ने किया होगा। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स वर्क कितना 84 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वी हैव टू फाइंड आउट एंड देयर एफिशिएंसी हाउ मच 5, 9 एंड 12। सो इसका मतलब लास्ट के 4 दिन तो सी के बिना काम किया, बट शुरू के 7 दिन सी के साथ काम किया। तो टोटल में से क्या पूछ रहे, हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 11 डेज, तो क्लियर। तो दिस
वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पहले वाले कॉन्सेप्ट में था, दूसरे कॉन्सेप्ट में कौन सा क्वेश्चन देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है मेरा। 24 मैन एंड 12 वुमेन, क्या दिया देखो, 24 मैन प्लस 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये मेरे पास क्या आ गया, M into D, MDH ही होता है। अगर ये नहीं दिया तो कॉन्स्टेंट मान लो MD, क्लियर। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन प्लस 24 वुमेन, मतलब उल्टा कर दो, क्वांटिटी उल्टी कर दो, 24 की जगह 12 की दूंगा 24। बट एक बात बताओ, आप कर तो दोगे, बट क्या इससे मुझे कुछ, ये मेरा वर्क तो आ गया, बट ये एम और डब्ल्यू क्या है, दिस इज एक्चुअली माई एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे देखो दो वेरिएबल, जैसे मैंने बोला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं एक्स और वाई की। बट अगर मैंने बोला एक और इक्वेशन दे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, कोई भी रैंडम वैल्यू देता हूं, तब मेरे पास एक टू वेरिएबल की दो कंडीशंस हैं, यहां से एक डेफिनेट वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड आउट मैं कर सकता हूं, वो कोई भी हो, क्लियर। इसी तरीके से जब मेरे पास एक इक्वेशन आई, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एम और डब्ल्यू की, तो वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू इक्वेशन टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, बिकॉज इट्स अ टू वेरिएबल वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल देके समझाया ताकि दिमाग थोड़ा सा समझे बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हिला जुला क्वेश्चन है, क्लियर। अब क्या आ गया, डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ये आएगा आंसर, क्लियर। तो प्लीज 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 ऐसे ही आंसर मत लगाओ, सोचिए पहले क्वेश्चन के बारे में, क्लियर। ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही लॉजिक्स आपको पढ़वाए गए हैं माइक्रो कोर्सेज के अंदर। देखो माइक्रो कोर्स का क्या फायदा, सबसे पहले आपको चैप्टर देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, उसके प्रीवियस ईयर, उसके क्वेश्चन, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास है, मैं दावा करता हूं, इससे अच्छा मिले तो मुझे जरूर बताना, मैं भी देखना चाहूंगा। इससे अच्छा मैं दावा कर रहा हूं, इससे अच्छा मिले तो बताएगा, बिकॉज मुझे पता है 25 साल से हम नंबर 1 बने हुए 2200 प्लस सिलेक्शन के साथ, क्लियर। चलिए देखते हैं जरा इसको, दावा इसलिए कर रहा हूं, मुझे पता है, मुझे पता है सारी चीजों का, क्लियर। देखिए एड स्लिम स्ट्रेटजी 2 ईयर एग्जाम प्रिपरेशन, छोटे कोर्सेज यानी बड़े रिजल्ट, ठीक है। अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज, चलिए सी सेट की तरफ बात कर रहे हैं हम। यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, दिस आवर अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी देखो, मुझे अगर देखना है, सबसे पहले क्लिक किया मैंने नंबर सिस्टम पे, मैंने रैंडमली कोई चैप्टर उठाया, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, 80 क्वेश्चंस है, तो ये चैप्टर कितने क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, देखो 23 में 18 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन, 21 में 9, 20 में 15, 19 में 7, 18 में 6, ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, एक्चुअल डाटा आउट ऑफ 80। तो नंबर सिस्टम में 1/4 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे मिल क्या रहा है इसमें, व्हाट आई एम गेटिंग इन 355 रुपीज फॉर 365 डेज, क्या मिल रहा है देखो, 11 लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में क्या है, सबसे पहले आपको थ्योरी बताई होगी कि इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम हो, चाहे वो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके और कोई क्वेश्चन हो, क्लियर। उसके बाद क्या, 10 वेब नोट्स। वेब नोट्स क्या होते हैं मेरे पास, वेब नोट्स मेरे पास वो डेटा होता है जहाँ पे थ्योरी, कुछ वन लाइनर हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं रिगार्डिंग द चैप्टर, क्लियर। उसके बाद 441 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसा कि मेरी पहली डिमांड क्या थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई नो द इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड डिमांड क्या थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नंबर 3 पे क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडिंग द सॉल्यूशंस, यस वी हैव सॉल्यूशंस। पूरे 11 में 6 से 7 लेक्चर में थ्योरी है, लास्ट के 3 से 4 लेक्चर में आपके पास इसके सॉल्यूशंस है, क्लियर। फिर आपके पास क्या, 441 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज जो यहां पे मुझे देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लियर। ₹1 पर दिन से कम में आपको मिल रहे हैं, क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने टाइम एंड वर्क देखा, ये रहा टाइम एंड वर्क, देखिए टाइम एंड वर्क ये है, देखिए 23वें क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन, हर साल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आया। और देखिए क्या मिल रहा है, सिर्फ अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करता हूं यहां पे, व्हाट आई एम गेटिंग, या दिस इज टाइम एंड वर्क, 4 लेक्चर ₹90 में, 2 वेब नोट्स ₹60 में, 293 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 170 आपके पास रुपीज हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ₹170 में ढाई क्वेश्चन, ढाई नंबर, ज्यादा भी आ सकते हैं क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द चैप्टर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखो मेरे पास क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या मिल रहा है देखो मुझे, इंग्लिश क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों इतना लॉजिकल माना जाता है, देखिए अगर आई बटन पे क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा मुझे देखो, ऑलमोस्ट 26, 27, 27, 25 ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चन की एवरेज है, 27 क्वेश्चन तो मुझे क्वालिफिकेशन के लिए 26 अकेले इंग्लिश में से आ रहे हैं। तो अगर वही सोच के चलो 10 से 12 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में ठीक हो गए तो सारा का सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है आपके पास, ठीक है। क्या मिल रहा है,
पैंसठ क्वेश्चंस और सॉरी 65 रुपये में इंटोनम सिनोनिम पूरा 423 का बंडल मिल रहा है आपको, ये क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों कर दीजिए और प्लीज़ माइक्रो कोर्स ले लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ, इंग्लिश का भी लो, बाकी भी आप परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, क्लियर। ठीक है जी, यहाँ पे एक 10 डेज का मोबाइल नंबर डाल के आप अपने काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ, ये कॉल मी और व्हाट्सएप, ठीक है। इसी तरीके से देखो सारे के सारे कोर्सेज जो आपको डिमांड है, मैं एक बात बोलूँ, कुछ मत खरीदो बट सर के एटलीस्ट लेक्चर जरूर देखो मेंटरशिप के, क्लियर। और ये सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे फ्री वॉम कोर्स में, क्लियर। आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर ही पढ़ना हो ना, वो भी मुझे अब कमेंट सेक्शन में लिखो, डेफिनेटली मैं करवा दूंगा, ठीक है। स्पर्श की बात करो 51 रैंक था, अर्नब 56, जतिन 91, दिव्य 105, 61, 38, आमिर 154, नताश 155, ये रैंक होल्डर्स है। और इन बच्चों ने क्या लिखा देखो, ये इसके बाद अभिमन्यु है इसके बारे में, क्यों नंबर वन है, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम, पूरी टीम की बात की गई है, द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन माई जर्नी। अर्नब कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया रैंक कितना था आपके पास, 56, 56 रैंक के स्टूडेंट ने लिखा है। नेक्स्ट आई एम थैंकफुल फॉर द एंटायर टीम, इंटरव्यू प्रिपरेशन एट अभिमन्यु अंडर बंसर गिव मी अ रियल इनसाइट विच हेल्प मी परफॉर्म इफेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि फेस वन, फेस टू, फेस थ्री सभी प्रिपरेशन यहाँ होती है, और सारे के सारे माइक्रो कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फुल कोर्स का लिंक दिया, वॉम कोर्स का, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। कोई डाउट हो तो नंबर आपको बताइए, कोई डाउट हो तो नंबर अपने पास कौन सा है, शायद मैंने बताया नहीं, 9517771657, इस नंबर पर कॉल करो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, क्लियर। कोई क्वेश्चन है वही भेज देना, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, थैंक यू।